आर्थिक राजधानी मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जो अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए जीवन में अंतिम बार अपराध को अंजाम देना चाहती थी, लेकिन उसका ये मंसूबा कामयाब हो ना सका और उसे गोवा के एक रेस्टोरेंट से बोरीवली जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी महिला का नाम शलका गवस है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास बताई जा रही है। दरअसल आरोपी शलका गोवा के रहने वाले अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लिहाजा अपने प्रेमी की मदद के लिए उसने ठगी करने की साजिश की। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एक बेहतर जीवन बिताने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है और उनकी पूर्ति के लिए आरोपी महिला बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए महिला ने अपराध का रास्ता चुना। कथित महिला ने एक व्यक्ति को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ ठगी की और कैनन कंपनी का कैमरा उससे लूट लिया और फिर फरार हो गई। आरोपी महिला ने पीड़ित से मलाड रेलवे स्टेशन पर मुलाकात की और उसे नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए कहा कि नौकरी पाने के लिए एक कैमरे की जरूरत होगी। आरोपी महिला के कहने पर नौकरी पाने की आस में पीड़ित व्यक्ति 1.5 लाख कीमत का कैमरा भाड़े पर ले आया और उसे महिला को दे दिया। वही कैमरा लेने के बाद आरोपी महिला पीड़ित व्यक्ति को अगले दिन मलाड स्टेशन में मुलाकात करने की बात कहकर फरार हो गई। पीड़ित व्यक्ति जब अगले दिन मलाड स्टेशन पहुंचा तो आरोपी महिला नहीं आई और उसने जब फोन किया तो नंबर भी बंद आया, जिसके बाद उसने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और इसकी शिकायत बोरीवली जीआरपी से की। शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी बोरीवली की जीआरपी पुलिस ने कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार महिला को गोवा के एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार महिला के पास से पुलिस ने कैमरा भी बरामद कर लिया है। बोरीवली जीआरपी के मुताबिक कथित महिला के खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में पहले से ही मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। बाईस में बोरीवली रेलवे पुलिस में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। उस एफआईआर में इस केस की आरोपी ने महिला फिरियादी को जॉब देने के बहाने मलाड स्टेशन पे बुलाया था और वहाँ पे आरोपी ने फिरियादी महिला को जॉब चाहिए तो एक इम्पोर्टेड कैमरा की ज़रूरत है ऐसा बताया था। उसके बाद इस केस की फिरियादी ने एक इम्पोर्टेड कैमरा भाड़े के तौर से लिया था और वही कैमरा इस केस के फिरियादी ने आरोपी के पास हैंड ओवर किया। नेक्स्ट डे आरोपी ने इस फिरियादी को मलाड स्टेशन पे आने के लिए बोला था और वहाँ पे वो पूरा आगे जॉब के बारे में बोलने वाली थी, बताने वाली थी, बट नेक्स्ट डे वो आरोपी वहाँ पे आई नहीं और वहाँ पे अपने खुद के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से भाग निकल गई। उसके बाद हमारी टीम ने इस केस में इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420/406 के तहत केस रजिस्टर किया था। इस केस के दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम ने इस आरोपी के बारे में लोकेशन गोवा स्टेट में मिलने के बाद हमारी टीम ने जनवरी के फर्स्ट वीक में गोवा में जाके उस महिला आरोपी को ताबे में लिया है। उसका नाम है शलका सुरेश गवस। उसका एज है 36 और वो रहने वाली सिंधुदुर्ग जिले की है, महाराष्ट्र की। इसके ऊपर इसके पहले ही 8 से 10 केसेस।